सीमा हैदर और सचिन की प्रेम कहानी तो याद ही होगी आपको। कैसे पाकिस्तान का बॉर्डर पार कर सीमा अपने चार बच्चों के साथ हिंदुस्तान आ गई थी। अब ऐसी ही एक प्रेम कहानी दोहराई गई है, लेकिन यहाँ सीमा की जगह दिलरुबा ने ले ली है, जो पाकिस्तान से नहीं बल्कि बांग्लादेश से भारत आई है अपने प्रेमी अब्दुल से मिलने। और जहाँ सीमा के चार बच्चे थे, तो दिलरुबा अपने तीन बच्चों के साथ भारत पहुँची। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद में पाकिस्तान की सीमा हैदर जैसा ही एक मामला सामने आया है। यहाँ एक महिला अपने तीन बच्चों के साथ अपने प्रेमी से मिलने पहुँच गई। महिला बांग्लादेश की रहने वाली है। जब महिला अपने प्रेमी से मिलने के लिए उसके घर पहुँची, तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। इसकी सूचना जैसे ही पुलिस को मिली, तो उन्होंने कार्रवाई करते हुए महिला को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। थाना मल्लीपुर क्षेत्र में एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें तत्काल हमारी थाने की फोर्स और LIU SSP सभी लोगों के द्वारा वहाँ पता किया। एक महिला जिसका नाम है दिलरुबा, ये बांग्लादेश से टूरिस्ट वीजा पे अब्दुल करीम के यहाँ आई थी, जो कि अजमेर शरीफ जाना चाहती थी। और चूँकि उनके पूर्व परिचित थे, उन लोग पारिवारिक परिचित थे, उसी के माध्यम से वहाँ गई थी। सारी एजेंसी ने उसको चेक किया, उसके जो वैलिड डॉक्यूमेंटेशन था उसके आधार पर वो वापस चली गई है आगे के लिए। जानकारी के मुताबिक ये पूरी घटना श्रावस्ती जनपद के मल्हीपुर थाना क्षेत्र के भारत और नेपाल सीमा पर स्थित भरथा रोशनगढ़ गांव की है। दिलरुबा नाम की महिला का टिकटॉक के जरिए एक लड़के से प्यार हुआ। प्रेमी का नाम अब्दुल करीम बताया जा रहा है। जब दिलरुबा बांग्लादेश से सीमा पार कर भारत पहुंची, तो उसे अब्दुल की सच्चाई के बारे में पता चला। अब्दुल पहले से ही शादीशुदा था, इसी वजह से दिलरुबा ने आपत्ति जताई। वहीं दूसरी तरफ अब्दुल की पहली पत्नी और अन्य परिवार वालों ने दिलरुबा का पुरजोर विरोध भी किया। इसके बाद महिला को वापस बांग्लादेश लौटना पड़ा। रवानगी से पहले भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने बांग्लादेशी महिला से गहन पूछताछ की। महिला ने अपना पासपोर्ट और वीजा सहित सभी वैध दस्तावेज पेश कर दिए। दिलरुबा के पास टूरिस्ट वीजा था। पुलिस हिरासत के दौरान महिला ने यह भी बताया कि अब्दुल से उसकी दोस्ती सोशल मीडिया के जरिए हुई थी। तब अब्दुल करीम ने खुद को अविवाहित बताया था, जबकि वो शादीशुदा है। तो ऐसे झूठे इंसान के साथ रहकर वो अपने बच्चों का जीवन बर्बाद नहीं करेगी। तो कुल मिलाकर इस प्रेम कहानी का अंत ज्यादा सुखद नहीं रहा, मगर इतना तो तय हो गया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और तमाम एप्स लोगों को प्यार में पड़कर सरहद पार करने को मजबूर कर रहे हैं। सीमा हैदर के केस में पबजी वाला प्यार था, और अब दिलरुबा के केस में टिकटॉक वाला प्यार है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।